सखी सहेली सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार और मंदाकिनी जी आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। जी बिल्कुल, सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का भी नमस्कार और संगीता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली पर्व की। जी हाँ, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। और इस बार तो दो दिन मनाई जा रही है, एक तरह से कह सकते हैं दीपावली, तो बड़ा ही अलग सा माहौल है। वैसे मंदाकिनी जी, हम लोग ये अक्सर सोचा करते थे कि भाई इतने मेहनत से, इतनी तैयारियों के बाद एक दिन का त्योहार, बस आप देखिए कि आज इस बार आ ही गया है, दो दिन है। हाँ, तो बड़ा मजा, तो जी भर के मना लें त्योहार को। और वैसे भी त्योहार अगर देखा जाए तो हर दिन त्योहार ही तो है भारत देश में, है ना। हमारी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि हम हर दिन को पर्व के रूप में मनाते चले जाएं। और दीपावली का इंतजार तो हमें सालों से रहता है, और बच्चों को तो विशेष रूप से इंतजार रहता है कि कब दीपावली आएगी, कब हम पटाखे छोड़ेंगे, कब हम चमचमाते नए कपड़े पहनेंगे और कब खूब सारी मिठाइयां बनाएंगे। तो आपने कौन कौन सी मिठाई बनाई है संगीता जी, क्योंकि आपके टिफिन से आज बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी जब आप 2 बजे लंच कर रही थी। तो जी, मिठाइयों का तो फिर क्या कहा जाए, जो लड्डू होते हैं इनके सबसे जल्दी से बन जाते हैं वो होते हैं मावे के लड्डू, यानी खोए के लड्डू, वो बहुत जल्दी से बन जाते हैं। जी, तो आपके टिफिन से खोए की जो है वो खुशबू आ रही थी, आप खोए के लड्डू खा रही थी, और यकीनन आपने मुझे भी खिलाया था, बेहद स्वादिष्ट लड्डू थे। और हमारे श्रोताओं ने भी अपने अपने घर में पकवान बनाए होंगे, तो वो बताएं हमें कि क्या क्या पकवान उन्होंने इस त्योहार में बनाए हैं। और हमारे महाराष्ट्र के जो श्रोता हैं, हाँ, वो भी जरूर बताएं कि आज क्या खास उनके यहाँ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या खास बना रहे हैं और क्या उन्होंने कल खास बनाया था, और इस बार उनका क्या प्लान था दीपावली को किस तरह से वो मनाएंगे। तो सबसे पहले बात तो हम बता दें आज क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं अपनी सखियों और सखाओं के लिए। जी जी, तो पहला विषय है हमारा खुशियों का उत्सव दीपावली, फिर हम बात करेंगे महावीर निर्वाण पर, और जी सखी सहेली में कौन होगी, जी रंजना बेन भट्ट, जो बड़ी अच्छी अच्छी गुड़िया बनाती हैं। और व्यंजन की बात करेंगे, व्यंजन की बात करेंगे बिल्कुल हम। तो एक गीत सुन लिया जाए पहले। जी, तो दीपावली का त्योहार हम मना रहे हैं संगीता जी। हाँ। और हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले इस दिनों में हम और क्या क्या मनाएंगे। हाँ, फिर भाई दूज भी है, हाँ, बलि पूजा भी है, गोवर्धन पूजा भी है, अन्नकूट भी है, और विश्वकर्मा दिवस भी है, और कलम दवात की पूजा भी हम करेंगे, उसे मत भूलिए। हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण दिन हैं आगे, क्योंकि ये जो पंच दिवसीय त्योहार है हमारा दीपोत्सव, इसमें हम बहुत सारे और भी चीजें मनाते हैं। तो कल हम, आज तो दीपावली पर्व मना ही रहे, कल अन्नकूट और गोवर्धन पूजा और साथ ही बलि पूजा का जो है पर्व हम मनाएंगे। तो क्या है इस पर थोड़ी बात कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए ना हमारे श्रोताओं, हमारे श्रोताओं को भी देखिए मालूम है। लेकिन अब ये है कि भाई सभी को पता है कि गोकुल में जो मूसलाधार बारिश एक बार शुरू हुई तो फिर सब कुछ जलमग्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों को सुरक्षित किया और उनकी रक्षा की थी, तो इस दिन को फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए समर्पित कर दिया गया, मतलब भगवान कृष्ण के द्वारा, और इस प्रकार जो उनका रक्षा का आभार जताया गया था, और इसीलिए ये पूजा की जाती है कि हम ये बताएं कि किस तरह से अन्नकूट पूजा की जाती है या गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, ये दिन बताने के लिए भगवान कृष्ण ने हम एक संदेश दिया था। और 56 तरह के व्यंजनों का 56 भोग भगवान कृष्ण को लगाया जाता है, जिन्हें पर्वत के आकार में रखा जाता है और जो बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और इस पूजा में नई फसल के अनाज का बना भोग होता है, इसमें गन्ना, दही, दूध, बताशा, लड्डू और तरह के अन्य जो प्रसाद होते हैं वो सब इकट्ठे करके श्री कृष्ण भगवान को वो
अर्पित किए जाते हैं, है ना, है ना, और साथ ही पर्वत की आकृति बनाकर तिलक लगाया जाता है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। जी बिल्कुल, मतलब कहने का मतलब ये है मंदाकिनी जी कि जब हम दीपावली में अलग अलग तरह की जब पूजाएं हर दिन ही लगभग होती रहती हैं, तो उसमें जो अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ते हैं उसमें लाई लावा का भी बड़ा महत्व होता है, बताशे भी होते हैं, अलग अलग तरह के जो पकवान है, लड्डू है सब, तो एक कहते हैं ना कि बड़ा ही संपूर्ण सा प्रसाद नजर, बिल्कुल सही, बड़ा मजा आता है। बिल्कुल, जो है पंचभोग लगते हैं, पंचमेवा लगता है, पंच फूल फल सभी रखे जाते हैं, और ये सब देखकर एक अलग सी जो है कहना चाहिए भावना हमारे मन में, एक श्रद्धा की भावना आती है, बहुत सारा एक रॉयल सा माहौल बन जाता है जब हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। और अपनी संस्कृति पे भी बड़ा नाज होता है। हाँ, जाहिर है अपनी संस्कृति तो इतनी महान संस्कृति है, और आध्यात्मिक रूप से कहा जाता है कि ये अंधकार पर प्रकाश की विजय है, है ना, दीपावली पर्व को, तो हमारे भीतर भी प्रकाश फैलता है, और कहा भी जाता है कि एक दीपक की रोशनी हमारे भीतर कितना प्रकाश फैलाती है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। चुपचाप सा बिल्कुल जलता रहता है, लेकिन ये है कि उसके उजाले जो होते हैं वो, तो अपने जीवन को भी कुछ इसी तरह से बनाना चाहिए। बिल्कुल, और गोवर्धन पूजा की जहां तक बात है, तो गाय के गोबर से जो स्थान होता है उसको लीप करके, यानी पहले इससे गेरू जो होता है उससे लिपाई होती है, फिर उसके सूखने के बाद गाय के गोबर से उसमें आकृति वगैरह बनाई जाती है, पहाड़ बनाए जाते हैं, तिलक, और फिर इस पर जो मिष्ठान है या पकवान है, दूध है, सब कुछ अर्पित किया जाता है। और नई फसल के जो अनाज, हमने देखा है कि इसमें गन्ना और चना ये खूब चढ़ता है, और दीपक भी सजाए जाते हैं, और कहीं कहीं पर रिवाज ये भी है मंदाकिनी जी कि लोग जो है व्रत भी करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, और मंदिरों में भी इस दिन अनुष्ठान होते हैं, और बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और इस अनुष्ठान को ग्रहण भी करते हैं, और इसका वहां पर दर्शन भी करते हैं, किस तरह से देवताओं के समक्ष हम अपना श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। और हम तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो दीपावली का त्यौहार है बहुत ही खास स्थान रखता है, और सभी और उत्साह और उत्सव का माहौल जो बना हुआ है संगीता जी, वो हमारे मन को भी बहुत ही आनंदित कर देता है, है ना। और क्या करें, आप बताइए। गीत गीत सुनना चाहती हैं, तो चलिए हमारे श्रोताओं को गीत सुनवाते हैं, और फिर देखेंगे कि हमारे श्रोता हमारे लिए लेना पड़ेगा संगीता जी, फिर से लौटते हैं जी। सत्यनिष्ठ और कर्मयोगी थे, उनके राज्य में शांति और समृद्धि थी। धीरे धीरे उन्होंने लगभग तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इन्हें रोकें। जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में आए और बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी, और इस तरह से 2 पग में आकाश पाताल स्वर्ग सब कुछ नाप लिया, और 3rd पग जो था उन्होंने कहा फिर अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर कहाँ रखूं, तो उन्होंने फिर कहा, राजा बलि ने कहा कि इसको हमारे आप शीश पर रखिए, और उसके बाद वो पाताल लोक में भेज दिए गए, और वहां के फिर मतलब वहां पर वो ऐसा मानते हैं कि वो अमर हैं, और वो हर साल जो है आते हैं, ऐसी मान्यताएं हैं, लोक मान्यताएं हैं। तो बिल्कुल इस जो दिवस को भी जो हमारे लोग हैं, हमारी सखियां हैं, हमारी सखा लोग हैं, वो बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं। तो इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम उन्हें गीत सुनवा देते हैं, और साथ ही हमने वादा किया था कि हमारे श्रोता कुछ संदेश हमें भेज रहे हैं, तो आप कहें तो पहले संदेश पढ़ दिए जाए। बिल्कुल 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 जी, या बिल्कुल। पहले गीत सुनना चाहती हैं? पहले आप पढ़िए। तो देखिए, हमारे श्रोता तो भाई लगातार त्योहारों के दिनों में भी हमसे जुड़े रहे हैं संगीता जी, होने के बाद लगातार हर कार्यक्रम में वो अपने विचार हमें भेज रहे हैं, और लिखते हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम में हम शामिल हो गए हैं और हम दोनों का स्वागत भी कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, खुशियों का पर्व है दिवाली, मस्ती की फुहार है दिवाली, लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली, अपनों का प्यार है दिवाली, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही लिखते हैं कि सखी सहेली मंच से जुड़ने वाले सभी मित्रों का हम स्वागत करते हैं इस प्रकाशमय त्योहार में। दीपावली शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीप मतलब दिया, अवली मतलब हार या माला, तो इस बार दीपावली 2 दिन मनाई जा रही है, कल भी थी, आज भी मना रहे हैं, तो आज भी हम उतनी ही शिद्दत के साथ, खुशियों के साथ त्योहार को मनाएंगे। और
अपने बारे में लिख रहे हैं कि वो आज ये त्योहार मना रहे हैं, लेकिन साथ ही सभी को वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं। जी, हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि रोशन हो दीपक और सारा जग जगमगाए, लेकर साथ सीता जी को राम जी आए, हर शहर सजा है ऐसे जैसे अयोध्या हो, आओ हर द्वार हर गली हर मोड़ पर हम दीप जलाएं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे श्रोता हमें मुबारकबाद दे रहे हैं। और आगे जब हम बात करेंगे बुद्ध के निर्वाण की, उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है। हाँ। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं कि एक श्रोता लिखते हैं कि हे दीपक, आज तुम आना, दुखों का नाश कर खुशियों की आस जगाना, बुझे हुए दिल में एक उम्मीद की ज्योत जलाना, बुझ गए हैं आपदा में जिनके चिराग, ऐसे चिरागों पर एक अमरता की लौ जलाना, ना रहे कोई उदास ना टूटे किसी का विश्वास, हर्ष उमंग और उल्लास से भरी रहे जिंदगी, रोशन हो हर आंगन ऐसा दीप जलाना, हे दीपक आज तुम अवश्य आना। तो घर की रोशनी भी है और दिलों में भी रोशनी रहे, मन सबके जो है बिल्कुल एकदम प्रफुल्लित रहे, इसी उम्मीद के साथ जो है दीपावली का पर्व बड़ी ही खुशी उल्लास से मनाया जाता है। बिल्कुल। और अब सुन लेते हैं। हाँ। एक की तो संगीता जी, हमारे श्रोता लगातार हमें अपने संदेश भेज रहे हैं। हाँ। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इस बार दिवाली पर मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूं कि वो आपको धन स्वास्थ्य और खुशी प्रदान करे, साथ ही आपका परिवार शांति और आनंद के साथ इस दिन का आनंद ले। तो बहुत सारे नए अवसर आपकी जिंदगी में आए, नई उपलब्धियां, नए सपने लेकर आए ये त्योहार, और एक सितारे की तरह आप चमके। बहुत ही सुंदर इन्होंने हमें शुभकामनाएं दी हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि हम लोग तो यहाँ कल दीपावली यानी आज मनाएंगे, कुछ जगहों पर कल मना ली गई है, फिर गोवर्धन पूजा होगी और रविवार को भाई दूज मनाया जाएगा। 5 दिवसीय प्रकाश पर्व त्योहार इस बार 6 दिवसीय हो गया है, तो और भी अच्छा लग रहा है भाई, पूरे साल भी हो जाए तो भी हमारा मन नहीं भरेगा, है ना। और रोशनी ऐसी होती है, हाँ रोशनी होती है, उसका जो संदेश है वो हमारे भीतर एक चमक पैदा करता है, जीवन के प्रति आस्था और विश्वास पैदा करता है। ऐसे ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं, दीपावली शब्द जो 2 शब्दों को मिलकर बना है, दीप और जोड़ अवली, दीप मतलब दिया, अवली मतलब हार माला, दिया की हार माला यानी कि जो लाइन होती है वो। और इस बार दीपावली 2 दिन मनाई जा रही है, कल भी थी आज भी है, तो वैसे अमावस्या आज है, पंचांग के हिसाब से इसका आधा भाग कल भी था आज भी है। तो हमारे यहाँ दिवाली कल मनाई गई थी, नया साल कल से शुरू हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आज मनाया जा रहा है, तो आप सभी को शुभ दीपावली के साथ नया साल मुबारक। और दोनों साथ ही कह देता हूं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि खुशियों का उत्सव है दीपावली, दीपावली और खुशी दरअसल ये एक दूसरे के पर्याय हैं। इस पर्व के मनाने की कथा माना वैदिक और पौराणिक ही नहीं अपितु तो अपने सनातन धर्म के प्रतीक स्वरूप सुप्रसिद्ध है, फिर भी ये अपने अंधकार स्वरूप दुख को दूर कर अपने उजाले स्वरूप दीप प्रज्वलन से संबंधित है, जहां पर अपने सकारात्मक कार्य के शुरुआती कदम की पहचान होती है। इस दृष्टिकोण से हमारे सुख हमसे मिलते नहीं अपितु हम लोग उन्हें अवाप्त करते रहने हेतु सदैव तत्पर और अग्रसर रहते हैं, और हमारी यही प्रवृत्ति हमें खुशियों की ओर ले जाया करती है। ध्यान रहे, हमारी लौकिक खुशियां तो क्षणिक होती हैं, किंतु दीपावली के आध्यात्मिक ज्योतिर्मय उजाले से दूर हुए भौतिक तमस होती हैं, किंतु दीपावली के आध्यात्मिक ज्योतिर्मय उजाले से दूर हुए भौतिक तमस से प्राप्त हुई अलौकिक खुशियां कभी हमसे भौतिक खुशियों की तरह छीनी नहीं जाती हैं, बल्कि ये खुशियां हमसे हमारे अलौकिक असीम आनंद को ही जनती रहती हैं, जिसके हम लोग बहुत ही क्लासिकल रचना थी। हाँ, और बेहद खूबसूरत गीत, हमारे श्रोता भी पसंद कर रहे होंगे आज के गीत, है ना। और अब एक अंतराल का वक्त हो गया है। हाँ। तो ले लेते हैं एक छोटा सा कि आने वाले जो दिन है उनमें हम क्या क्या पर्व मनाने वाले हैं। एक बहुत ही बहनों के लिए महत्वपूर्ण दिन आने वाला है, कौन सा? हाँ, भाई दूज। हाँ। तो उस दिन आप जाएंगे अपने भाई के यहाँ या भाई आपसे मिलने आएंगे? भाई तो दूर रहते हैं जी, बहुत दूर रहते हैं जी, जी। अब आजकल तो मोबाइल है तो हाँ, तो बातचीत हो जाएगी। हाँ, ये बात सही जी है जी। कि हम उनसे फेसबुक पर लाइव बातचीत कर सकते हैं। हाँ, तो जो दूरियां हैं वो किसी हद तक जो है खत्म हो जाती है, कम हो जाती हैं। तो भाई दूज के बारे में हम बताते हैं अपने श्रोताओं को। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो भाई दूज कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यानी उजाला पाक पखवाड़ा
के दूसरे चंद्र दिवस पर मनाई जाती है, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। तो यह खासकर दक्षिण भारत में जोर शोर से मनाई जाती है। इस त्योहार की जो काफी जो एक क्षेत्रीय विविधता कहते हैं ना मंदाकिनी जी, वो बहुत ज्यादा है। तो भाई फोटा भी कहते हैं बंगाल में, जो काली पूजा के दूसरे दिन मनाया जाता है। भाई जीउंटिया यानी कि ये उड़िया में मनाया जाता है, उड़ीसा में जी, उड़िया लोग जो बनाते हैं इसे। और भाऊबीज भी कहते हैं महाराष्ट्र में जी। हाँ, बिल्कुल। गोवा, गुजरात, कोंकणी, ये सब जगहों पर भाई बीज ही कहते हैं इसको। जी, और भाई दूज तो सब जगह कहते ही हैं। जी, जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि त्योहार हम मना रहे हैं। संगीता जी, एक बात और है, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब स्त्रियां भी नौकरी पर निकल जाती हैं, तो भाई से मिलने की जो एक विवशता है, नहीं मिल पाने की जो विवशता है, वो भी उनके मन को कहीं ना कहीं टीस देती है। लेकिन ये त्योहार ऐसे हैं जो हमें मिलने का अवसर प्रदान करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई वर्षों हो जाते हैं मिले बगैर ना, हम मिल नहीं पाते अपने भाई से, बहनों से, माता पिता से, लेकिन फिर भी ये त्योहार कहीं ना कहीं हमें एक मौका दे ही देते हैं कि हम अपनी व्यस्ततम जीवन से दो पल निकालकर कभी न कभी हम अपनी व्यस्ततम जीवन से दो पल निकालकर कभी न कभी मिलके आए हैं। और कोशिश करते हैं हमारे भाई भी या हम बहनें भी कोशिश करती हैं कि भाई से मिलकर हम इस त्योहार को मना लें। बिल्कुल, कोशिश तो पूरी रहती है, चाहे रक्षाबंधन का त्योहार हो या ये भाई दूज का त्योहार हो। तो आज का जो ये दिन आने वाला है, हम सभी बहनों को इसके लिए मुबारकबाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। भाइयों को तो देनी ही होगी, उनके ललाट पर बहन टीका लगाती है सौभाग्य का। तो भाई तो सौभाग्यशाली होते ही हैं, और वो बहनें भी सौभाग्यशाली होती हैं जो अपने भाई के ललाट पर उस दिन मंगल टीका लगाती हैं, है ना। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है जो बड़ी सभी को तो पता है शायद। खुशी के साथ हम इसे मनाते हैं। जी जी। और एक कहते हैं ना कि इस त्योहारों के बहाने हैं सारे लोग भी मंदाकिनी जी इकट्ठा हो जाते हैं, और दूर दूर से लोग जब आते हैं तो फिर घर में एक रौनक सी हो जाती है। तो ये जरूर नहीं भी है तो भी कोशिश करनी चाहिए जी कि सब एक साथ आए और जो मिलकर त्योहार होते हैं कम से कम त्योहारों को एक साथ। तभी तो आपने देखा होगा कि जब बच्चे दूर नौकरी करने जाते हैं तो माता पिता अकेले रह जाते हैं, लेकिन त्योहार के दिनों में जैसे ही बच्चे लौटकर आते हैं तो वो पल अमूल्य पल होते हैं माता पिता के लिए, है ना। तो ये मिलजुल कर जीने वाले त्योहार है जहाँ हम सब मिलजुल कर अपनी भारतीय संस्कृति को जीते हैं, और वो अमूल्य पल बार बार जिंदगी में नहीं आते हैं। ये त्योहार ही जो हमें फिर से एक दूसरे से मिलाते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से। जी जी। महावीर का जन्म हुआ जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला इनके माता पिता थे। इनके जन्म के बाद राज्य में अपार उन्नति को देखते हुए इनका नाम वर्धमान रखा गया। युवा होने पर यशोदा नाम की सुकन्या से विवाह हुआ। बिल्कुल हुआ, और लेकिन वो सब कुछ त्याग कर तीर्थंकर बन गए थे, और उनके ज्ञान से, उन्होंने अपने सब ज्ञान से सभी को प्रकाश दिया। एक ऐसी लॉ हम सभी के भीतर
कर पैदा की जो आज भी जल रही है और हमेशा जलती रहेगी। और अहिंसा सबसे बड़ा उनका धर्म रहा है। तप, ध्यान, संयम, सत्यनिष्ठा और घमंड न करना, हारने पर दुख न करना, जीतने पर गौरवान्वित नहीं होना, क्रोध न करना, सबसे प्रेम करना, ये इनके संदेशों में माना गया है। साथ ही अहिंसा, दया सभी प्राणियों के लिए और पुरुषार्थ करना, और ये कहा कि मोक्ष प्राप्त करने की आपके अंदर एक शक्ति है, हर व्यक्ति में आत्मा में ये शक्ति है, बशर्ते कि हमारे भीतर वो चाह होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा अस्ते यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रहण, लालच, दूसरों की चीजों को न हड़पने की जो भावना है, वो सभी चीजों का ज्ञान इन्होंने हमें दिया है। जी जी। और निर्वाण यानी कि मोक्ष, ईसा पूर्व 527 यानी 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया यानी मोक्ष प्राप्त किया। बिल्कुल। तो हम इनकी याद में इन्हें नमन करते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी अगर देखा जाए तो भगवान महावीर की भी जो बातें हैं वो सभी प्राणियों के लिए हैं। जैसे कि हम त्योहार मनाते हैं तो त्योहार में जब हम इस तरह से कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जरूरी है कि ये चीजें जो वर्तमान महावीर ने बताई हैं वो अपने अंदर आत्मसात करें और तभी जाकर के प्रकृति और मानव का जो एक मेल है वो हो पाएगा, अच्छा होगा, और फिर धरा जो है वो खूबसूरत बन सकती है। तो महावीर के जो संदेश है उनके पालन हमेशा हमें करना चाहिए। कई बार क्या होता है संगीता जी, हम इनके संदेशों को सिर्फ पढ़ लेते हैं, किताबी पढ़ाई कर लेते हैं या कोर्स में हम पढ़ लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए, जब ये प्रश्न पत्र आएगा तो उसका उत्तर हम यूं लिखेंगे कि महावीर की शिक्षाएं क्या है, लेकिन उसको हम अपने दैनिक जीवन में कभी अमल में नहीं लाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो महावीर ने हमें शिक्षाएं दी है उन शिक्षाओं को हम किस तरह से जी सकते हैं, किस तरह से उनका पालन कर सकते हैं, इस पर हमें मनन करना चाहिए। कोशिश करने से होता है। जैसे अगर चलिए बाकी चीजें जो हैं, तो अगर एक बार ये सोच लिया जाए कि भाई हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो जहां तक हो सकेगा सत्य बोलेंगे, तो ये छोटी छोटी सी कोशिश जो है वो एक चोरी अच्छा न करना या क्रोध न करना या किसी को हराने की उम्मीद न रखना, बैर भाव नहीं रखना, ये चीजें तो ऐसी है ना जिनका पालन हम कर सकते हैं, है ना। तो हमें इसमें ये भी नहीं है कि हम भाई इतना कठिन तप नहीं कर सकते हैं। आप बहुत साधारण जिंदगी जीते हुए भी अगर असाधारण सोच रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप महावीर की शिक्षाओं के करीब पहुंचने की कोशिश भर तो कर सकते हैं, रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप महावीर की शिक्षाओं के करीब पहुंचने की कोशिश भर तो कर सकते हैं। जी। तो उन कोशिशों का हमें अनुसरण करना चाहिए कि किस तरह से हम उनको जिए और अपने दैनिक जीवन में उतारे। संगीता जी, हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संदेश हमें भेजे हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर लिया और आत्म कल्याण के पथ पर निकल गई। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुणिक और चेतक भी शामिल थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक जानकारी। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। और हमारे श्रोता सोच रहे हैं, वाकई बहुत अच्छी बात है कि वो महावीर स्वामी के उपदेशों को कहीं ना कहीं पढ़ना पसंद कर रहे हैं और हम तक भेजना भी पसंद कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जैन धर्म में प्रतिवर्ष दिवाली के दिन दीपमालिका सजाकर भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव मनाया जाता है। भगवान महावीर का जन्म 27 मार्च 598 ईस्वी पूर्व अर्थात 2610 वर्ष पहले हुआ और 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन ही स्वाति नक्षत्र में कैवल्य ज्ञान प्राप्त करके आप निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है दीपावली के लिए कि दीपावली आती है और पांच दिनों की खुशियों का उत्सव लाती है। आज गोवर्धन पूजा चित्र को पूजा मनाने का विधान है। चित्रगुप्त, मुझे लगता है इन्होंने ऊपर चित्र लिखा है तो अच्छा। बाद में फिर चित्रगुप्त पूजा। भगवान चित्रगुप्त की पूजा की जाती है और गोवर्धन पूजा में जिस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों में उठाया
बताया था उसे गोवर्धन पूजा, उसे गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। कुछ लोग तो इस बार मतलब आज भी दिवाली मना रहे हैं, तो आप सबको इस पर्व पर बहुत सारी शुभकामनाएं और सबके लिए ये दिन जो है खुशियों भरा हो। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले हुआ था, ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली नक्षत्र कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशिला के यहाँ हुआ था। हाँ। और यही वर्धमान बाद में इस काल के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी बने। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त हो जाने के 278वें वर्ष बाद इनका जन्म हुआ था। तो ये भी जानकारी इन्होंने बहुत अच्छी दी है, तो हाँ। इसका भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे और भी श्रोता हैं जिसमें इन्होंने भी एक लिखा है कि भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर होकर अंतिम तीर्थंकर हैं और कार्तिक अमावस्या के दिन स्वाति नक्षत्र में कैवल्य ज्ञान प्राप्ति करके निर्वाण प्राप्त किया। जैन धर्म में धन यश और वैभव लक्ष्मी के बजाय वैराग्य लक्ष्मी प्राप्ति पर बल दिया है, इन्होंने ऐसा लिखते हैं। तो बिल्कुल हाँ जी, तो विविधता है भारत में, बिल्कुल संस्कृति बहुत अलग है। संगीता जी, आज तो बात हो रही है त्योहारों की और बहुत ही महत्वपूर्ण दिनों की। एक बचपन से जुड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। याद है आपको कि आपके पास कितनी गुड़ियाएं होती थी बचपन में? आप भी गुड़ियाओं से खेली होंगी ना? बहुत सारी थी। ठीक, तो आप मुझे बता रही थी कि जब आपकी शादी हो गई थी तो आपकी मम्मी ने आपकी वो बचपन की गुड़ियाएं सब जगह बांट दी थी, और जब आप वापस लौटी तो आप नाराज हो गई थी कि भाई मेरी गुड़ियाएं कम कैसे हो गई। वो होता ही है कि मतलब वो फिर पड़ी रह जाती हैं, तो मम्मी को लगा होगा कि भाई और छोटी छोटी लड़कियां हैं तो वो खेल डालेंगी, अब ये क्या खेलेंगी जब इनकी शादी हो गई है। तो जाहिर है हमें बचपन अपनी गुड़ियाओं से अपने खिलौनों से प्यार होता है, है ना? बहुत, बहुत। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपने शौक को व्यवसाय में अगर तब्दील कर दे तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। जी जी, है ना? तो आज ऐसी ही एक महिला का हम जिक्र करने वाले हैं, और इसकी कोई उम्र भी नहीं होती है मंदाकिनी जी, जैसे जब आप चाहें तभी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर देर में भी आपको समझ में आता है कि भाई नहीं ये अच्छा चल रहा है, इसे हम ले कर आगे चल सकते हैं, तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आपको बचपन में वो शौक था और बड़े होकर आपको एहसास होता है कि मैं अपने उस शौक को अब बदलकर व्यवसाय में या अपनी आजीविका के रूप में ले जा सकती हूँ, तो अच्छी बात है। तो आज सखी विशेष में हम किस पर बात करने वाले हैं? रंजन बेन भट्ट के बारे में, है ना? तो बताइए। हाँ, गुजरात की हैं ये, और इन्हें गुड़िया बनाने का शौक है बचपन से ही, और प्राकृतिक तरीके से यानी कि इको फ्रेंडली डॉल्स बनाने का उनका हुनर जो है बहुत पुराना है, और उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया है, व्यवसाय के रूप में इसे स्थापित किया है। और गुड़िया बनाने का शौक बचपन से ही रखती थी, जैसे कि हर लड़की का ही सपना होता है। तो सर्वप्रथम मंच नाटक में इन्होंने प्रदर्शित किया इसे, जो विदेशों में था यानी कि न्यू जर्सी टाउन हॉल में प्रदर्शित किया, और फिर खूब पसंद किया गया। धीरे धीरे चर्चा में आने के बाद रंजन बेन ने इसकी उपयोगिता को समझा और आगे बढ़ाने और इस ओर ध्यान भी दिया, और इसको व्यवसाय में तब्दील भी किया। और उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने इसका जो उद्देश्य था वो भारत में जो प्रचलित गुड़िया थी उसको और भी वैश्विक स्तर पर ले जाने का था, क्योंकि बाकी जो डॉल्स थी वो फॉरेन की डॉल्स थी, विदेशी गुड़ियाएं थी, है ना, जिनके कई बार हम देखते हैं। तो वो चाहती थी कि भारतीय गुड़िया एक विशेष तरह की गुड़िया के रूप में तब्दील हो जाए और वैश्विक स्तर पर उसकी पहचान हो जाए। और ये गुड़िया कपड़े से बनाई जाती थी, इसमें पेंटिंग, मूर्तिकला, सिलाई, आभूषण का काम होता था, और पोशाक को डिजाइनिंग किया जाता था। सिलाई को छोड़कर किसी भी मशीन का उपयोग इसमें नहीं किया जाता था, और ये कार्य एक टीमवर्क के रूप में किया जाता था संगीता जी। साथ ही लगभग 1,00,000 से ज्यादा गुड़ियों का इन्होंने निर्माण किया, जो कि व्यवसाय में तब्दील हुआ। बहुत ही सुंदर गुड़ियाएं इन्होंने बनाई, और इनके हुनर से इनके जो अंडर में काम करने वाली महिलाएं थी उनको भी रोजगार मिला। और रोजगार, देखिए ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, ऐसे हुनर को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो जब ये व्यवसाय का एक रूप लेता है तो इससे और भी लोगों के घरों में देखिए चूल्हा जलता है, और जो लेडीज हैं या जो लड़कियां हैं उन्हें तो ये अच्छा ही लगता है, अच्छा लगता है, उनको वरदान भी मिला होता है। इस तरह के कार्य उनके हाथ में होते हैं, और एक तरह से हथकरघा का रूप भी ये ले सकता है कि कहते हैं कि हाथ से काम करके आप अपने व्यवसाय को किस तरह से बढ़ाएं। गांवों में तो इस तरह का अक्सर महिलाएं करती हैं कि वो हथकरघे का काम करती हैं, हाथ से सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम करती हैं, तो उसमें गुड़िया भी एक हाथ से बनाया हुआ बहुत ही सुंदर उत्पाद है जिसे हम व्यवसाय का रूप देकर बहुत ही
महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं, सीख भी सकते हैं बहुत सारी चीजें। हाँ। तो चलिए अब थोड़ा सा वक्त हमारे पास है, आप आज क्या व्यंजन बताने वाली थी थोड़ा सा बताइए हमें। गीत पहले गीत सुनाना चाहती है तो चलिए सुनते हैं गीत। जैसे कहते हैं कि मीठा सा बड़ा अच्छा सा एक खाने में लगता है, तो उसके लिए मैदा लेना ज्यादा, मतलब मैदे में ही बनता है, तो अगर चार कटोरी मैदा है तो एक कटोरी उसमें देशी घी का मोयन डाल के, उसके बाद उसको एक कटोरी चीनी भी उसमें डाल के उसे अच्छी तरह से मिला लें, और उसके बाद उसे टुकड़े, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में काट लें, बर्फी से भी थोड़ा छोटा, और उसी शेप में, और उसके बाद फिर उसे चाशनी में डाल दें। अच्छा, तो ये है खुरमा। अरे वाह, चलिए तो बहुत सुंदर व्यंजन है ये तो। हाँ, मीठा सा, तो बस यही है आज व्यंजन में। और तो हमारी तो सखियों ने तमाम बहुत सारे बनाए हैं। बिल्कुल, तो उन्हें आइए त्योहार मुबारक हो, बहुत ही शुभकामनाएं त्योहार की। और अब तो कार्यक्रम का समय बिल्कुल ही समाप्ति की ओर है। हाँ। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के पाठक